हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12 ऐसे फूड की डिस्कस करने वाले हैं जो खाने से हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, बूस्ट होता है और मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, राइट। तो उसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मी, राइट। तो ब्राह्मी वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है और जिसका इस्तेमाल कोशिकाओं की रक्षा और सीखने और स्मृति से जुड़े रसायनों को बढ़ाकर मस्तिष्क को तेज करता है। इसका उपयोग ब्राह्मी का उपयोग अल्जाइमर जैसे रोग में, चिंता, डिप्रेशन, ADHD के साथ साथ तनाव से लड़ने और स्मृति में सुधार के लिए किया जाता है। एकाग्रता और सतर्कता में सुधार किया जाता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी को एक मस्तिष्क टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ब्राह्मी पाउडर आपको पतंजलि में मिल जाएगा और काफ़ी ही अच्छा बेहतरीन पाउडर होता है और ब्राह्मी जूस भी आपको मिल जाएगा, राइट। कोई भी ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो ब्राह्मी पाउडर दूध में डाल के भी आप खा सकते हैं, ब्राह्मी जूस भी, ब्राह्मी का जो जूस होता है, राइट, ब्राह्मी उसको भी आप दूध में डाल के खा सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहले आता है ब्राह्मी। सेकेंड वन है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जूस भी आपको मिल जाएगा, अश्वगंधा पाउडर भी आपको मिल जाएगा, अश्वगंधा सिरप भी होती है। तो अश्वगंधा एक पारंपरिक औषधीय जड़ी बूटी है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ है। चिंता तनाव कम करता है, अवसाद से लड़ने में मदद करता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है अश्वगंधा, राइट। यहाँ तक कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक आसान और प्रभावी तरीका है। फ्रेंड्स, मैं अश्वगंधा काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो अश्वगंधा पाउडर भी आपको मिलेगा और अश्वगंधा जूस लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको थर्ड नंबर पे आता है टमाटर। टमाटर को दुनिया में सबसे अच्छा मस्तिष्क बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वास्तव में लोगों को बहुत सारे लाभ देता है टमाटर, राइट। फोर्थ नंबर पे आएगा ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरा होता है। तो माइंड के लिए, बॉडी के लिए, जो मेमोरी पावर हमारा बढ़ाती है, राइट, तो माइंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा ग्रीन टी में, जिसका शरीर पर शक्तिशाली प्रभाव होता है। इनमें मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार, वसा की कमी करता है शरीर में से, कैंसर का कम जोखिम और कई अन्य प्रभावशाली लाभ ग्रीन टी में शामिल है। पांचवें नंबर पे आता है संतरा। आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से विटामिन सी नहीं बन सकता, लेकिन यह आंखों की रोशनी और स्वस्थ मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, इसलिए हमें संतरा खाना चाहिए। हमारे शरीर में विटामिन सी स्वाभाविक रूप से बनता नहीं है, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है, राइट। तो पांचवें नंबर पे आता है संतरा। छठवें नंबर पे हम अंगूर को रखे हैं, राइट। तो अंगूर जो है वो मस्तिष्क के लिए अच्छा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित कई अध्ययनों से पता चला है कि अंगूर अच्छे मस्तिष्क भोजन है, राइट। और अंगूर में लाल अंगूर आप ले, राइट। सातवें नंबर पे आता है बीट। बीट में नाइट्रेट होता है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है, संज्ञात्मक कार्य में सुधार करता है। तो सातवें नंबर पे है बीट। आठवें नंबर पे है लाल शिमला मिर्च। एक लाल शिमला मिर्च अपने दैनिक विटामिन सी की जरूरत के 100% से अधिक होता है। तो हमें जितना जरूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा, 100% से अधिक हमें लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी मिल जाता है। इसमें फाइबर और विटामिन B6 की महत्वपूर्ण मात्रा भी होती है। नौवें नंबर पे आता है प्याज। प्याज एंटीऑक्सीडेंट क्वेरसेटिन में समृद्ध है जो इस्केमिक मस्तिष्क क्षति माने एक प्रकार का स्ट्रोक से बचाने के लिए और बिगड़ी स्मृति में सुधार कर सकता है प्याज, राइट। दसवें नंबर पे है गाजर। गाजर लंबे समय से आंखों के लिए अच्छा माना जाता है और यह पता चला है वे मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छे हैं। गाजर में
ल्यूटोलिन का उच्च स्तर होता है। उम्र से संबंधित स्मृति की कमी, ज़्यादा उम्र होने पर स्मृति धीरे धीरे मेमोरी पावर कम होता है, लेकिन अगर हम गाजर रोजाना खाते हैं तो वो नहीं होगा, राइट। और मस्तिष्क में आने वाली सूजन को भी गाजर कम करता है। फिर आता है शकरकंद, राइट। शकरकंद भी एंटीऑक्सीडेंट से भरा है। एंटीऑक्सीडेंट आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ए और सी दोनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जबकि नियमित आलू में, हम जो आलू खाते हैं उसमें विटामिन सी होता है। मीठे आलू जिसे हम शकरकंद कहेंगे उसमें विटामिन सी और विटामिन ए दोनों हमें मिलते हैं। 12 नंबर पे आएगा सूरजमुखी। फ्रेंड्स, आपको सूरजमुखी के बीज भी, आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। सूरजमुखी का ऑयल भी है जिसे आप रेगुलर सब्जियां बनाने में घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाने और बीज दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। परफेक्ट दोपहर का नाश्ता, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, आवश्यक फैटी एसिड दोनों का एक अच्छा स्रोत है सूरजमुखी, राइट। तो आप इसको नाश्ते के तौर में भी पानी के अंदर डाल के गर्म करके इसके बीज को आप खा सकते हैं और मस्तिष्क को ये बहुत ही बेहतर बनाता है। और लास्ट में फ्रेंड्स, जो ज़रूरी है, गर्दन और माथे पर मालिश करें जिससे आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। योगा करें, सकारात्मक सोच रखें और अच्छी सी सोए, राइट, अच्छी नींद ले। तो इतना ये 12 फूड रेट आपको मिल जाएंगे। ऐसे तो काफ़ी और कई और भी चीज़ें हैं जो मेमोरी पावर से कनेक्टेड है, लेकिन मैंने ये 12 ऐसी चीज़ें ली है और इससे बेहतरीन फ़ायदा हुआ है। और ये 12 ऐसी चीज़ है जो आपको, 12 ऐसे फूड है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।